हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रे। आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है अपहॉल इंडिया का। और यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ, डेली टाइम फ्रेम का। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्टॉक का प्राइस एक्शन जो बाय बिफोर ब्रेकआउट सेटअप है उसको फॉलो कर रहा है। देखिए, प्राइस के लिए जो ब्लू लाइन यहाँ पे जा रहा है, ये ब्लू लाइन एक्ट एज ए मोमेंटम लाइन। इस लाइन को प्राइस यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है एंड रेस्पेक्ट किया है। उसके बाद प्राइस देखिए थर्ड टाइम यहाँ पे जब टेस्ट किया था, यहाँ पे एक डोजी बनाया है एंड डोजी बनाने के बाद उसका हाई को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। बस हमारा काम है कि यहाँ पे हमारा क्वांटिटी को एंड रिस्क को डिफाइन करके जो डोजी का लो यहाँ पे बन रहा है 1145, उसके नीचे 3 मिनट का क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस देना है एंड यहाँ पे लॉन्ग कर सकता है। बस क्वांटिटी को कंट्रोल करना है एंड रिपीटेडली इस सेटअप को फॉलो करना है। अगर एक स्टॉक में आप इस टाइप का सेटअप को फॉलो करते हैं और एक स्टॉक में नहीं करते तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कौन सा स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो वो किसी को भी पता नहीं है। अगर आप 10 स्टॉक लेंगे उसमें शायद 3 से 4 स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जो कि छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना वहाँ पे बड़ा मिलेगा। इसलिए आपको रिपीटेडली इस टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर ढूंढना है जहाँ पे कि एक मोमेंटम लाइन को प्राइस मल्टीपल टाइम टेस्ट किया होगा एंड जब प्राइस थर्ड टाइम नहीं तो 4th टाइम कोई भी रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है एंड उसका हाई को प्राइस ब्रेक करता है, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं 3 मिनट का क्लोजिंग बेसिस पर। बस इस स्टॉक में जो यहाँ पे डोजी बना है ना, इसका लो के नीचे एक स्टॉप लॉस देना है 1145 का नीचे 3 मिनट का क्लोजिंग बेसिस पर। एंड डिटेल्स में बाय बिफोर ब्रेकआउट सेटअप को जानना है तो सिंपली आप चैनल में जाकर जैसे आप सर्च कर देंगे बाय बिफोर ब्रेकआउट, आपके सामने वही वीडियो का लिंक आ जाएगा। देखिए, ये वाला जो वीडियो है ना, ये हो गया हमारा बाय बिफोर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बी सेटअप। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो चैनल में जाकर सर्च बार में सिंपली ट्रिपल बी बाय बिफोर ब्रेकआउट सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा। बस आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे नेट में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बस एक ओल्ड डिफाइंड बाउंड्री के आसपास आपको एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।